सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। संसार में दुख का कारण क्या, संताप शोक का निवारण क्या। इस खोज में सब कुछ त्याग दिया, हर वैभव से वैराग लिया। वो सृष्टि से संयुक्त हुए, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हुए। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्यों, मैं आपके कक्ष में नहीं आ सकता? जब बुलाया जाता है तब आते नहीं। मैं जिनका इतना आदर करता हूं उनका अनादर करते हो। बुद्ध के चरण छू लेते तो जीवन धन्य हो जाता तुम्हारा, किंतु तुम्हारा अहंकार। मैं ऐसे व्यर्थ लोगों के सामने नहीं झुकता। अजात शत्रु, इतना घमंड ना करो। सर झुकाओगे नहीं तो एक दिन सर कटवाओगे। वाह, क्या आशीर्वाद दे रहा है पिता अपने पुत्र को। और जिस व्यक्ति के कारण आपका मुझसे मतभेद है, उस व्यक्ति के लिए आपके मन में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। मैत्री के नाम पर आपने युवराज सिद्धार्थ को एक पूरी सेना की टुकड़ी कपिलवस्तु की सुरक्षा के लिए दे दी, और अब जब वो चोला पहन सन्यासी बन गया तो वेलु अनुपहार में दे दिया। क्या मुझे किसी भी विषय में तुम्हारी आज्ञा लेने की आवश्यकता है? नहीं, लेकिन अगर आप अपना भला नहीं सोचेंगे तो मुझे सोचने पे विवश होना पड़ेगा। जो ब्राह्मण वर्षों से हमारे निष्ठावान है, राजनीति से ले आपातकाल तक उन्होंने हमारा मगध का साथ दिया, उन्हें आपने कभी कुछ नहीं दिया, और बुद्ध पे आप दोनों हाथों से लुटाए। पुत्र, तुम्हारी मन की आंखें अभी खुली नहीं है। हमने ब्राह्मणों के साथ कोई अन्याय नहीं किया, पर वो धनमोल है। वो समस्त मानव जाति को सवारने आए, वो हम सबके दुख दूर करेंगे। दुख आप दें और दूर करें बुद्ध। अजात शत्रु, कहने दीजिए मुझे। मुझे और मेरी माँ को बहुत दुख दिए हैं आपने उस आम्रपाली के कारण। जिस आम्रपाले को तुमने कभी देखा नहीं, जिससे तुम कभी मिले नहीं, उसके विषय में तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं और वैशाली की उस तुच्छ गणिका से मिलने जाऊं? सावधान, जो आम्रपाली को गणिका कहा तो। हाँ, आपसे रिश्ता जोड़ सती सावित्री जो बने, उसने आपसे पहले कितने पुरुषों से रिश्ता जोड़ा, उसके हृदय में न जाने कितने लोग बसते। आपके पैसों पे पलने वाली एक तुच्छ गणिका। अजात शत्रु, मैं पिता हूं तुम्हारा, उसका खेत है मुझे। जब से आप आए हैं कहीं खोए हुए हैं? कोई बात है? मुझे नहीं बताएंगे?
तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें भी दुखी होगा। आनंद बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। कहने को मगध नरेश बिंबिसार हो, किंतु इतना विवश कोई साधारण मनुष्य भी ना होगा। बुद्ध आए थे, किंतु उनके दर्शन हेतु मैं तुम्हें और हमारे पुत्र जीवक को आमंत्रित ना कर सका। यदि तुम आती तो महारानी वैदेह रुष्ट हो जाती, अजात शत्रु सब के सामने तुम्हें अपमानित करता, वो हर समय तुम्हारा नाम लेकर मुझे ताने देता है। क्या चाहा था और क्या हो गया, मेरा ही दोष है। मैं ही कारण बनी आपके बेटे और आपके बीच के टकराव का। कुछ कर पाती जिससे आप दोनों के बीच का मन मुटाव दूर हो सकता। नहीं आमला, कोई कुछ नहीं कर सकता। अजात शत्रु और मेरे बीच अब विचारों का टकराव शुरू हो गया है। वो केवल एक पिता के प्रेम का अपमानित नहीं कर रहा है, वो एक सम्राट को चुनौती दे रहा है। मगध के निर्णय वो अपने मन के अनुसार लेना चाहता है। महत्वाकांक्षा उसे दिनों दिन अंधा बना रही है। उसने बुद्ध का भी अनादर कर दिया। मुनीवर के तो आगे हर शीश अपने आप ही झुक जाता है, किंतु उस अहंकारी का ना झुका। आम्रपाली, ये मेरा प्रारब्ध है, इसे मुझे ही भुगतना होगा। कोई इसमें मेरी सहायता नहीं कर सकता। ओम भगवते वेक्षां देहि, ओम भगवते वेक्षां देहि। बिना परिश्रम चावल का पानी ही मिलेगा। चावल चाहिए तो जाकर खेत जोतो। कल्याण, आपका व्यवहार आश्चर्यजनक है। उस महिला ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया और आपने उसे आशीर्वाद दिया। आप में तो शांति का स्रोत बह रहा है। मैं तो निम्न हूं, ये मेरे गुरु का प्रसाद। कौन है आपके गुरु? शाक्य मुनि बुद्ध। या विचलता का ज्ञान मुझे समझाएंगे? मैं ज्ञान दूं? मैं तो अभी भी उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। वो कहते हैं मध्य में रहो, मध्य बिंदु में ना दुख कलपता है ना ही सुख भा ले जाता है। और कहां है ये मध्य बिंदु? शाक्य मुनि कहते हैं हर व्यक्ति के अंतर में है ये मध्य बिंदु। केवल जाग जाओ तो वो सबको प्राप्त है। यही परम ज्ञान का द्वार है। संसार में जो जीव आता है वो उसी परम सत्य का ही रूप है। बस पदार्थ के रूप में प्रकट होता है और अप्रकट हो पदार्थ में ही विलीन हो जाता है। इतना गुड़ सत्य इतनी सरलता से समझाती है, कुछ और बताइए ना। बुद्ध अपने अनुभव की बात करते हैं। हर जीव में वही परम सत्य है।
इसलिए हम दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करते हैं। ये कोई भौतिक संस्कृति की बात नहीं, ये इस बात की सूचना देती है कि मेरे अंदर का परम सत्य आपके परम सत्य को पहचान रहा है। चाहे आपको ये ज्ञान हो या ना हो। क्या आपके गुरु मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? अवश्य, हम शीघ्र ही मिलेंगे आपके गुरु शाक्य मुनि से। मुगलाना, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया। शाक्य मुनि बुद्ध, उनके कथन अनुसार हम सबके अंतर में एक परम ज्ञान का द्वार है। उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया है। वो सुनी सुनाई बात नहीं दोहराते, अपने अपने अनुभव की बात करते हैं। तो देर किस बात की मित्र, चलो अभी उनके पास चलते हैं। गुरु भाइयों, हम अपने साधना के मार्ग पर चलते हुए साक्षी मुनि बुद्ध की शरण में जाएंगे परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आपके चेहरे का भाव देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई विशेष उपलब्धि का द्वार खुलने योग्य है। हम भी चलेंगे आपके साथ। हम भी चलेंगे गुरुजी। यदि आप सब साथ चलेंगे तो आश्रम में कोई शिष्य बचेगा ही नहीं। कोई तरीका तो होगा। फिर तो यही उचित है कि पहले हम गुरुदेव के पास जाकर उनकी आज्ञा लेते हैं। वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आइए। आप सब यहीं ठहरे। प्रणाम गुरुदेव। आप सब लोग एक साथ, कोई विशेष बात? गुरुदेव, साक्षी मुनि बुद्ध मगध पधारे। हम सबका अंतर कहता है कि वो हम सबके लिए मोक्ष का द्वार खोलेंगे। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उनकी शरण में जाएंगे। हाँ गुरुजी, हाँ, हम भी चलेंगे। आप सब चले जाएंगे। मैं तो चाहता था कि तुम और मुगलाना आश्रम के कार्यभार को अपने हाथ में ले और अपने निर्णय से चलाओ। मुझे कोई आपत्ति ना होगी। गुरुदेव, जब हम घर छोड़कर आ गए तो अब हमें इस आश्रम के मुंह में कृपा मत बांधी। हमारी आत्मिक प्रगति साक्षी मुनि बुद्ध के पास होगी, ऐसा विश्वास है मन में। यह आश्रम भी तो आपकी धरोहर है। गुरुदेव, कृपया आश्रम के मुंह से हमारे पांव में बेड़ियां ना डालें। तो फिर ठीक है, जाओ और परम ज्ञान को प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। ये सारिपुत्र, ये मोगलाना गुरुदेव संजय के शिष्य आपके भिक्षु बनना चाहते हैं। अपने सभी साथियों को ले आए। आप सब आ गए। आपके गुरु संजय को आघात लगा होगा। उन्होंने हमें स्वयं अनुमति दी। बहुत बड़ा हृदय है उनका। हम में वो अलौकिक दृष्टि नहीं है। अस्ताजी से आपकी सुगंध का समाचार आया।
हमें लगा कि आपके चरणों में हमें मुक्ति प्राप्त होगी। आपको देखा तो लगा कि जन्म जन्मों की खोज पूरी हुई। हमें मत ठुकराइए, हम पर कृपा कीजिए। जब आप सबने पहला पग उठा ही लिया है तो मैं इस मार्ग में आपका संरक्षण अवश्य करूंगा। आपको ध्यान से क्या मिला गुरुवर? कुछ नहीं, क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई, वृद्धावस्था का भय खोया और मृत्यु के दर पर विजय प्राप्त हुई। मेरे भिक्षुओं, मैं अच्छे आचरण को ही सबसे उच्च मानता हूं। यदि जंगल में आग लग जाए तो उसे बढ़ने के लिए वो अपने मार्ग के सभी पौधों और वृक्षों को खाती, जितना ईंधन खाती है उसकी अग्नि की तीव्रता और व्याग्रता उतनी ही अधिक बढ़ती जाती। उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्तियां, क्रोध, चिंता, लोभ, भय तब तक ही बलवान रहेंगे जब तक हम उसे ईंधन देते रहेंगे। घृणा और लालच की अग्नि तब तक ही प्रज्वलित रहती है जब तक हम उसे संसार की कामनाओं से बांधे रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सारा ध्यान जीवन का परम दिव्य धन कमाने में, तो वो जितना कमाएगा उतना ही उसका मन कलेश से भरा रहेगा। वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, उसके प्राणों को हमेशा एक भय बांधे रखेगा। यदि ये धन समाप्त हो गया तो, यदि किसी व्यक्ति ने इन बीड़ियों को ही काट दिया तो ना उसे आने वाले कल की चिंता रहेगी, ना बीते हुए कल का बोझ, वो स्थिर रहेगा, जीवन के हर क्षण को जिएगा, मध्य में ही केंद्रित रहेगा। उसे इसी समय इस सृष्टि का आनंद प्राप्त होगा। राजा द्रोणोदन, क्या आपको कोई सूचना है? मगध युवराज आजाद शत्रु किस कारणवश कपिलवस्तु आए हैं? स्पष्ट तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु मुझे आजाद शत्रु का व्यवहार मिलनसार नहीं लगा। कपिलवस्तु के लिए कोई अशुभ सूचना ना हो। अब तो सिद्धार्थ भी हमारे साथ नहीं, अन्यथा वो कभी उसकी बात को नहीं टालते। बड़ा मान देते हैं सिद्धार्थ को मगध नरेश बिंबिसार। शाक्य कुल शिरोमणि, शाक्यगढ़ अधिपति कपिलवस्तु का महाराज शुद्धोदन पधार रहे महाराज। युवराज आजाद शत्रु आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। वो इस समय कुमार देवदत्त के साथ अतिथि कक्ष में। उन्हें आदर के साथ लाया जाए। जी महाराज। युवराज आजाद शत्रु,
बचपन में मैं चीते का खेत किया करता था, पर अब केवल आखेट से जी नहीं भरता, अब तो जब तक चीते को अपने हाथ से दबोच के प्राण न ले लो चैन नहीं लगता। तुम में और मुझ में बहुत समानता है कुमार देवदत्त, किसी दिन हम दोनों अकेट पर अवश्य चले। महाराज शुद्धोदन ने आपको दरबार में आदर पूर्वक बुलावा भेजा है। चलो मित्र, महाराज से भी मिलने। मगर युवराज, अजात शत्रु का कपिलवस्तु में स्वागत है। यदि आप हमें कपिलवस्तु पधारने का संदेश भेजते तो आपके सम्मान में हम उचित प्रबंध कर पाते। कुछ स्थिति ऐसी पैदा हुई कि हमें अचानक आना पड़ा। महाराज, मगध में जब से युवराज सिद्धार्थ बुद्ध बनकर आए हैं, स्थिति उथल पुथल हो गई। सामाजिक विषमताओं का निर्माण हो रहा है। दूसरे प्रदेश के लोग सन्यासी बनकर मगध की ओर आ रहे हैं। समाज के कई वर्गों में इस बात को लेकर असंतोष जन्मा है। और दूसरी बात जो हमारी चिंता को और बढ़ा रही है, दक्षिण मगध के कुछ गांवों में लुटेरों का आक्रमण हो रहा है। उन्हें रोकने के लिए हमें अधिक सेना की आवश्यकता है। मगध की सेना जो आपकी सुरक्षा के लिए कपिलवस्तु में यहां और नहीं रह सकते। मैं अपनी सेना लेने आया। यदि आप अपनी सेना ले जाएंगे तो आपके और हमारे व्यापार में दुष्प्रभाव पड़ेगा। व्यापारियों की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। और कौशल अफसर देखकर उपद्रव मचा देगा। महाराज, मैं विवश हूं। और वैसे भी इतने वर्षों में कपिलवस्तु ने अपना खोया हुआ बल पा ही लिया होगा। अब मगध की सेना की यहां मुझे कोई विशेष आवश्यकता नजर नहीं है। मुझे आज्ञा दे महाराज। युवराज अजात शत्रु अपनी सेना ले गए तो प्रसन्न जीत को सुनहरा अवसर मिल जाएगा। वो अवश्य युद्ध घोषित कर देगा। शाक्य देश में विपत्ति के बादल मंडराने लगे। अब क्या करें? युवराज अजात शत्रु अड़ीक है। यदि सिद्धार्थ होता तो वो महाराज बिंबिसार को हमारी दुविधा अवश्य समझाता। महाराज, युवराज सिद्धार्थ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं। मैं अजात शत्रु से बात करूंगा और उसे पूरी स्थिति समझाने का प्रयत्न करूंगा। और मुझे अनुमान है कि मैं उसकी सेना को यहां रोकने में अवश्य समर्थ होऊंगा। महाराज, मेरे विचार से यही उचित होगा। यदि देवदत्त को इतना विश्वास है कि वो अजात शत्रु को रोक सकता है तो उसे एक बार प्रयास करने दें। ठीक है देवदत्त, तुम प्रयास करके देख लो।
प्रणाम युवराज। ये क्या है युवराज? इतने वर्षों तक आपने हमारी सुरक्षा की है, महाराज शुद्धोदन की ओर से भेंट स्वीकार कर, और महाराज ने आपको सुरक्षित मगध लौटने की शुभकामनाएं दी। आपसे किसने कहा कि हम मगध लौट रहे हैं? महाराज बिंबिसार का ऐसा कोई आदेश हमें नहीं मिला। ये आदेश मैंने दिया। प्रणाम युवराज, क्षमा कीजिए, परंतु महाराज बिंबिसार का आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना हम कपिल वस्तु न छोड़ें। तो आप मेरे आदेश का उल्लंघन करेंगे। बाहर जाओ और सेना को मगध कूच का आदेश करो। जी युवराज। हम में और भी समानताएं हैं मित्र। आपकी और मेरी परिस्थिति एक जैसी है। महाराज वृद्ध हो चुके हैं और हम युवा, तो उनकी सोच हमारी सोच से कैसे मेल खा सकती है? वो शांति की बात करके हमारी महत्वाकांक्षाओं के बीच में रोड़े अटका रहे हैं। मित्र, हमें अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखवाना है। प्रतापी चक्रवर्ती राजाओं में हमारी गिनती होनी चाहिए। किंतु ये बात न आपके महाराज समझते हैं न कपिलवस्तु के। मारा कारण सत्य है, किंतु एक रास्ता है मित्र, एक रास्ता है जिससे तुम्हारी और मेरी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती है। निसंकोच करो। मगध की सेना महाराज बिंबिसार के प्रति निष्ठावान है, और मेरे कुछ सेना नायक मेरे प्रति निष्ठावान है, जो कभी भी नाम और वेश बदलकर मगध की सेना के रूप में आपकी सहायता के लिए पहुंच सकते हैं, और जब भी सही अवसर देख आप मगध महाराज बनने का दावा करें तो और इसके बदले में आप मुझे शक्तियों का महाराज घोषित कर दें। अर्थात कपिल वस्तु से जो सेना आएगी वो मगध की नहीं, हमारी सेना, महाराज बिंबिसार की निष्ठावान सेना यहीं कपिल वस्तु में रहेगी, अटका के रखी जाए। महाराज बिंबिसार से तू मित्र, महाराज की आज्ञा का पालन करके अपना स्वार्थ साधो, अपनी सेना को यहीं रहने दो। एक बड़े लाभ के लिए मुझे छोटी पराजय स्वीकार है। मगध की सेना यही कपिलवस्तु में तैनात रहेगी। जब लोहा गर्म होगा मैं चोट मारूं, मेरे महाराज बनते ही तुम शाक्य के महाराज घोषित कर दिए जाओ।
सरीपुत और मुगलाना के गुरु संजय। आपने कैसे जाना? जिस दिन से मेरे शिष्य आपके भिक्षु बने हैं, उसी दिन से मेरे मन में जिज्ञासा थी कि आपसे मिलूं। मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, कृपा करके उनके उत्तर देंगे? अवश्य। आपका शिक्षण क्या है? आपके सिद्धांत क्या है? वैसे मेरे विषय में मैं कहूं तो मैं किसी सिद्धांत पर भरोसा नहीं करता। आपको अपने सिद्धांतों पर भरोसा ना होने में भरोसा है? क्या आप अपने अविश्वासी होने पर विश्वास करते हैं? यह तो वाक्यों का खेल है। नहीं, ये आपकी बुद्धि का खेल है। मेरे विश्वास और अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न है कि आपके सिद्धांत क्या है। यदि कोई भी व्यक्ति एक बार किसी भी सिद्धांत को पकड़ लेता है तो सर्वप्रथम वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है, वो रूढ़िवादी होता जाता है। उसे लगता है कि जो उसका सिद्धांत है वही सही है, उसका विश्वास ही विश्वास है, बाकी सब असत्य है। और जहां विचारों की स्वतंत्रता की बलि हुई, एक ही विचार घेरा डाल लेता है, मनुष्य और संकीर्ण होता जाता है, और यहीं से संघर्ष और द्वंद की शुरुआत होती है। किसी भी बात का विश्वास अविश्वास का भी विश्वास मुंह में डालता है। विचारों में बहुत शक्ति है, वो अपनी पकड़ जड़ तक बना लेते हैं, और उनसे आसक्ति आत्मिक मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। यदि उसमें उलझे तो परम ज्ञान का द्वार कभी नहीं खुलेगा। यदि आपकी शिक्षा का कोई पालन करता है तो क्या वो भी बंधनों में बंध जाता है? मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं। मेरा मार्ग ना सिद्धांत है ना ही दर्शन शास्त्र, केवल शुद्ध अनुभव है, परम सत्य का अनुभव। परंतु बुद्ध, यदि कोई आपके मार्ग को ही अपना सिद्धांत समझ ले तो? मेरा मार्ग अभ्यास का है, उसे ना तो किसी स्थूल पदार्थ की तरह पकड़ा जा सकता है ना ही उसे पूजनीय बनाया जा सकता है। मेरा ज्ञान ऐसा समझें कि एक नाव है जिससे नदी पार की जा सकती है, परंतु नदी पार करने के उपरांत हम उसे अपने सर पे तो नहीं ढोले जाते ना। मन करता है कि आपके चरणों में गिर पड़ूं, किंतु अभी भी कोई ऐसी भावना है जिसकी पकड़ मुझ पर अब तक है। तीन तरह की भावनाएं होती हैं, सुखद, दुखद और तटस्थ। इन तीनों भावनाओं की जड़ें हमारे शरीर और मन में ही स्थित हैं। भावनाएं तरंगों की तरह उठती हैं और फिर स्वयं ही विलीन हो जाती हैं। मैं कहता हूं
कि पहले इन उठती भावनाओं की गहराई में देखो, समझो, जानो कि इनका उद्गम कहां से हो रहा है। चाहे दुखद भावना आए या सुखद भावना, केवल ये देखो कि वो उठ कहां से रही है। जब उसके मूल में पहुंचोगे तो पाओगे वहां केवल शून्य है, ऐसा शून्य जैसे नीला आकाश। वो शून्य तो है परंतु सबको अपने अंदर समेटे हुए है, एक चादर की तरह। बस अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये पाओगे कि लहरें उठना बंद हो गई। परम शांति की जो झील हमारे अंतर में है वो तो विचलित ही नहीं हो रही। फिर और गहरे में जाओगे तो पाओगे कि भूल कहां कर रहे थे। जो नश्वर है उसे अविनाशनीय समझ बैठे थे। अज्ञान ही सभी विषमताओं की जड़ है। मैं केवल ध्यान की बात कहता हूं, ध्यान से अज्ञान दूर होगा, अज्ञान ना पूजा से, ना व्रत से, ना चढ़ावों से, ना किसी तप से समाप्त होगा। बहुत देर निद्रा में रहे संजय, उठो, जागो, स्वयं को पहचानो। आप दर्पण है बुद्ध, आप में झांक कर आज प्रथम बार मैंने अपने सत्य को प्रतिबिंबित होते हुए देखा है। अब मैं अंधों का जीवन व्यतीत नहीं करूंगा, मुझे अपना भिक्षु स्वीकार कीजिए। मैं बुद्ध की शरण में आता हूं, धर्म जो आपका स्वरूप है मैं उसकी शरण में आता हूं, मैं संघ की शरण में आता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ऐसी क्या विद्वान पड़ी कि राजगृह के व्यापारी आधी रात्रि हमसे मंत्रणा करने आ पहुंचे। युवराज, बुद्ध के विरोध हमारी जो चिंता है आपके सिवा और कौन समाधान करेगा? कहिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बड़ी विपदा है युवराज, घोर क्रांति आई हुई है नगर में, प्रत्येक युवक के अंदर होड़ मची हुई है उस बुद्ध का भिक्षुक बनने की। वो अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर, पत्नियों को त्याग कर, बच्चों से मुंह मोड़कर, सभी चीजों को त्याग कर संन्यास और वैराग्य के मार्ग पर जा रहे हैं। मगध इस तरह अपना युवादन खोदेगा महाराज? समस्या भीषण रूप धारण कर रही है, विवाह योग कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे। और अपनी अपनी सेना को लीजिए, वहाँ भी युवा कहाँ भर्ती हो रहे हैं। तो आपकी समस्या सामाजिक है? हमें सामाजिक समस्या से क्या लेना देना, हम तो अर्थव्यवस्था की डामाडोल होने की आशंका से भयभीत थे महाराज। यदि सब वैरागी हो गए तो हमारी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी युवराज। तो आप महाराज बिंबिसार के सामने अपनी समस्या क्यों रखी है? रखी थी, उन्होंने कहा कि वो किसी की निजी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। युवराज, अब आप ही हमारा संरक्षण करें। आपके पास धन है, धन से बड़े बड़े सत्य को झुठलाया जा सकता है। कुछ ऐसा कीजिए, लोगों को धन दे, उन्हें उकसाइए,
जनता में ये बात फैलाइए कि ये भिक्षुगण सबके सब ढोंगी। भिक्षुओं को चुनौती दीजिए, कुछ ऐसा करिए कि इनका नाम ही मटिया मेट हो जाए। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन महाराज को पता चला, कौन साथ देगा? आप? किंतु इसके प्रत्युत्तर में, जब युवराज को आपके साथ की आवश्यकता हो तो आप उसके पक्ष में खड़े रहे। अवश्य अवश्य हम आपके साथ। युवराज, ये सभी व्यापारी आपके पक्ष में हैं। अब सही समय पर सत्ता परिवर्तन के बारे में सोचे। सही समय का संकेत मैं शीघ्र ही मिलने वाला हूं। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। अज्ञान ही सारी विषमताओं की जड़ में, अज्ञान न पूजा न व्रत न चढ़ावों से समाप्त होता है। अज्ञान केवल ध्यान से दूर होगा।